Hey guys, नमस्कार, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। और मैं अभी रूम में हूँ, फ्रेश हो गया हूँ। और मैं आज जो है, आज का जो ब्लॉग होगा वो बहुत ही खास होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद साबरमती आश्रम। आपने कहीं कहीं पढ़ाई होगा साबरमती आश्रम, महात्मा गांधी और उसकी पत्नी जो है कस्तूरबा गांधी रहती थी। तो आज मैं, चलिए आपको साबरमती आश्रम घुमाता हूँ। मैं अभी फ्रेश हो गया हूँ और ये मेरा रूम है। चलिए फिर मिलते हैं आपको आगे। और हाँ, मैं बता दूँ, वीडियो में आप बने रहिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो गाइस, मैं आश्रम इन कर गया हूँ। और इन करते ही आपको स्टार्टिंग में आपको एक वार्निंग मिलेगा। और यहाँ पर दिया है आश्रम टाइम। आश्रम जो टाइम है वो 10 बजे से 5 बजे तक है। उसके बाद है डू नॉट इंटर इफ सफरिंग फ्रॉम फीवर कफ और कोल्ड। अगर आपको बुखार और सर्दी है तो आप आश्रम में इन नहीं कर सकते हैं। कीप वियरिंग मास्क। और यहाँ पे वार्निंग दिया गया है कि मास्क आप पहने रखिए और सैनिटाइज योर हैंड वाइल इंटरिंग। आप जब इंटर करते हैं तो उसके बाद आपको हाथ को सैनिटाइज करना पड़ेगा। ये पर सैनिटाइजर बगल में रखा हुआ है और इसमें लिखा है कि मेंटेन डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम अदर। और यहाँ पे आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। डू नॉट टेक ए ग्रुप फोटो। और आप यहाँ पे ग्रुप फोटो नहीं ले सकते। अबाउट टचिंग पिक्चर और प्लानेट। यहाँ पे जो है कोई भी तस्वीर को या कोई भी पौधा को यहाँ पे नहीं छूना है। और है यूज ब्लैक डस्टबिन, और डस्टबिन का प्रयोग करें। और आज है आरोग्य सेतु। ये सब जो है वार्निंग लिखा गया है यहाँ पे। तो सो मैंने ये वार्निंग आपको दिखा दिया। चलिए आगे मिलते हैं, जो भी चीज़ होगी मैं ज़रूर आपको बारी बारी से दिखाऊंगा। ये गाइस, ये सबसे पहले मैं इन कर रहा हूँ गांधी जी के म्यूजियम में। और ये पर देखिए गुजराती, हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है। चलिए। और म्यूजियम के अंदर कुछ सिद्धांत दिया गया है गांधी जी के द्वारा, और ये गुजराती में लिखा हुआ है। इसके नीचे आप देख सकते हैं हिंदी में लिखा गया है। इसके कुछ सिद्धांत हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और यहाँ पे मोहन टू महात्मा गांधी जी की कुछ तस्वीरें हैं। और ऊपर में लिखा है मोहनदास करमचंद गांधी, जो इनके पिताजी का नाम था, और इनकी माता पुतलीबाई। और यहाँ पे देख सकते हैं अनयूजुअल पोस्टल एड्रेस गांधी जी का। और ये म्यूजियम के अंदर ही बहुत सारा सिद्धांत जो है गांधी जी के द्वारा दिया गया है और लिखा गया है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, मैं अपने घर को चारों ओर से दीवारों से घेर नहीं लेना चाहता और इन खिड़कियों को बंद कर रखना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि सब देशों की संस्कृतियाँ मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक निर्बाध रूप से प्रवाहित हो सके। अलबत्ता मैं यह कभी नहीं कहूँगा कि उनके तेज झोंके मेरे पांव ही उखाड़ दे। ये जो है महात्मा गांधी जी की कुछ कृतियां हैं। ये है द ग्रेट अहिंसा, अहिंसा नोबेल ऑफ इंडिया, अहिंसा के महान प्रतीक।
और ये ऊपर लिखा है साबरमती आश्रम, देख सकते हैं अब 100 ईयर हो गया, 1917 से लेकर 2017 तक इस आश्रम का 100 ईयर पूरे हो गए। यहाँ पे लिखा गया आश्रम एक विचार, द आइडिया ऑफ द आश्रम, और उसके कुछ लाइनें लिखा हुआ है, और ये सारा चीज़ आपको म्यूजियम के अंदर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अहमदाबाद को आश्रम बनाने के लिए क्यों चुना, तो वो उसका जवाब आप नीचे देख सकते हैं, और आप ध्यान से वीडियो रोक के आप पढ़ लीजिए, नहीं तो वीडियो मेरा बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे है गांधी फर्स्ट आश्रम इन इंडिया, और इसका जो फर्स्ट आश्रम था वो था कोचरब, कोचरब में थे इसका पहला आश्रम, जो 1915 में ये देख सकते हैं गांधी और कस्तूरबा दोनों एक साथ हैं, और इसका पहला आश्रम था अहमदाबाद 1915। तो गाइस मैं आपको गांधी जी के म्यूजियम में तो लिखी गई जो भी पंक्तियाँ थी और मैं आपको दिखाया, और आप चलिए मैं आगे और भी देखता हूँ। ये भी जो देख रहे हैं मेरे पीछे, ये सारा म्यूजियम है, और अब मैं चलता हूँ आगे देखता हूँ क्या है। और ये है गांधी जी के चरखा, जो ये दिखाता है आत्मनिर्भर भारत, और ये विदेशी सॉफ्ट कपड़े को छोड़कर ये खुद से बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। ये गांधी जी का चरखा है। और यहाँ पे है प्रोमिनेंट विजिटर, प्रमुख आगंतुक, जो जो व्यक्ति आए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वीन एलिजाबेथ 1961 में आया था, उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू 1973, दलाई लामा 1984 से 50, यहाँ पे राजीव गांधी 1988, ये सब जो लोग हैं गांधी जी के आश्रम विजिट कर चुके हैं। यहाँ नेल्सन मैंडेला जो 1995 में आया था, मोहम्मद हामिद अंसारी 2009, मार्टिन लूथर किंग 2009, प्रतिभा सिंह पाटिल 2009, यह है सुनीता विलियम्स एस्ट्रोनॉट नासा 2007, और यहाँ पर वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम भी 2006 को आया था, और ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 2002 को आए थे, उस समय ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, और साथ में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ पे बिल क्विंटन जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट के थे 2001। तो आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन 2010 को आए थे इस आश्रम को विजिट करने के लिए, क्वीन ऑफ भूटान, यह है मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2013 को, यह है मेंबर ऑफ कांग्रेस USA 2013। यहाँ पे देख सकते हैं जिस देश से कोरोना फैला था उस देश के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जब बने थे 2014 को, तो उस समय विजिट किया गया था यहाँ पे, और यहाँ पे है बान की मून 2015 को जो सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन का है, और ये भी इन्होंने भी महात्मा गांधी जी का आश्रम विजिट कर लिया है। और यहाँ पे है प्रणब मुखर्जी जो हमारे 13वें प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया थे 2015 को आए हैं, और ये है जॉन फोर्स केर यूनाइटेड स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 2015। तो गाइज अपने गांधी जी के तीन बंदर के नाम तो सुने ही होंगे, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ तीन बंदर, और ये आप देख सकते हैं पहले का कहना है कि बुरा मत बोलो, और दूसरा जो है बुरा मत देखो, और तीसरा जो है बुरा मत सुनो। ये गांधी जी का संदेश था, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, और बुरा मत देखो। तो आशा करता हूँ आप भी इसी राह पे चलिए, गांधी जी के रास्ते पे चलिए, उनके दिखाए हुए मार्गदर्शक पे चलिए, तो गाइज़।
मैं बता दूं कि अभी साबरमती आश्रम में हूँ, और साबरमती आश्रम का नाम साबरमती आश्रम साबरमती ही क्यों पड़ा तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो नदी है, ये साबरमती नदी है। और साबरमती नदी के जस्ट बगल में यह आश्रम है, इसलिए इसका नाम साबरमती आश्रम दिया गया है। और ये नदी के जस्ट बगल में आश्रम है, और महात्मा गांधी जी यहाँ पे 1917 से लेकर 1930 तक रहे थे, और कस्तूरबा गांधी के साथ, और उसके बाद वो दिल्ली जाने के बाद वापस नहीं आ पाए क्योंकि जो नाथुराम गोडसे ने गोली मार के हत्या कर दी थी। तो यह आश्रम या नदी के जस्ट किनारे में बसा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको एक सुकून सा फील होगा, एक आनंद भरी, फुल्ली कुछ सीखने को लिए के लिए भी मिलेगा, और आपको मज़ा भी आएगा घूमने में, और सीखने के लिए तो बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ। आप आइएगा तो मैं सारा चीज़ तो वीडियो में नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर सारा चीज़ वीडियो में दिखाऊँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए, और ये देखिए नदी कितना बड़ा है। और कल मैं जो नदी का वीडियो बनाया था वो मैं यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर था और वहाँ से वीडियो बनाया था, और आज मैं साबरमती आश्रम आया, फिर भी यह जो रिवर है सेम टू सेम उसी तरह है। सो आप सोच सकते हैं कितना लंबा है। Through my drift against your skin, curse on sleep. Let's hold our breath. This is so real. Just you and me. Let's escape, girl, tonight. Girl, tonight.